फूलमती काकी, अंजलि दीदी के लिए शहर से फोन आया है, जल्दी से भेजो दुकान पे, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। अंजलि बेटा, तेरे लिए शहर से फोन है, सब काम छोड़ के जल्दी जाके सुन ले, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ, जरूर मीनाक्षी दीदी का फोन आया होगा। हाय अंजलि। नमस्ते दीदी, मेरा मतलब हाय, कैसी हो आप? यहाँ तो सब ठीक है। मामा मामी कैसे हैं? तू कैसी है? मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है, लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग, मैं तो इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊँ। आपकी कॉलेज वाली बहन जी आपको इतना पढ़ाती है, तो घर कब जाती हैं आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं पढ़ाती, मैं अलग से दूसरे टीचर्स के पास भी पढ़ने जाती हूँ। दीदी फिर तो आप बहुत थक जाती होगी ना, आप ना पैदल मत जाया करो, टांगा ले लिया करो दीदी। नहीं मेरी भोली बहन, ना मैं पैदल जाती हूँ ना ही यहाँ टांगा मिलता है, मैं बस से जाती हूँ और थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा ले लेती हूँ। सच्ची? वहाँ पर टांगे नहीं बस चलती है? वाह, वो भी हर रोज? हमारे गांव में भी बस आती है, दिन में दो बार। यही तो खास बात है शहर की, यहाँ बसें पूरा दिन दौड़ती हैं सड़कों पर, और सिर्फ बसें ही नहीं, कार, स्कूटर और ट्रक भी, और तो और थोड़ी दूरी पर तो हवाई जहाज भी है, जहाँ से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अच्छा दीदी मैं फोन रखती हूँ, बुआ जी फूफा जी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ माँ, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते? बुआ जी फूफा जी और मीनाक्षी दीदी तो शहर में ही रहते हैं। अरे क्योंकि तेरे बुआ जी की शादी शहर में हुई थी इसलिए बेटा, शादी से पहले वो भी तेरे पापा और दादा दादी के साथ गांव में ही रहती थी। तो फिर माँ मुझे शहर भेज दो ना, मैं भी शहर देखना चाहती हूँ। इतनी बार मीनाक्षी दीदी से शहर के बारे में सुन चुकी हूँ, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ, बस आप मुझे शहर भेज दो। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रह आना शहर, अपनी बुआ के घर, अब तो खुश ना? हाँ माँ बहुत खुश, आप देखना मैं शहर जाके कितने मजे करती हूँ। अंजलि अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ अपने सारे दोस्तों को अपने शहर जाने की बात बताकर चिढ़ाती है। अरे श्रद्धा, शीतल, सरोज, तुम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? एकादशी वाले गांव के मेले में। हम तो दूसरे गांव में नानी के घर जाएंगे, उनका घर नहर के किनारे है, बड़ा मजा आएगा। हम इस बार कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए मेहमान आएंगे, और तू? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस पास वाले शहर जा रही हूँ, अपनी बुआ जी के घर, वहीं रहूंगी कुछ दिन। तुम लोग चिंता मत करना, मैं चिट्ठी लिखूंगी तुम सबको वहाँ से। पापा, पापा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। बेटा शहर आने की जिद भी तो तूने ही की थी, अब पहली बार बस में चढ़ी है तो यही होना था, भुगतो अब। अरे मामा जी, अंजलि, आप लोग आने से पहले बता तो देते, मैं लेने आ जाती बस स्टैंड तक। आओ आओ भैया, आओ बेटी अंजलि, माँ बुआ जी कैसे हैं वहाँ और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, बस अंजलि जिद कर रही थी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने की, सो छोड़ने आ गया। दीदी आप मुझे शहर घुमाने ले जाओ ना, मुझे भी शहर देखना है। हाँ हाँ चल तैयार हो जा जल्दी से। अंजलि तैयार होने जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आती है तो अरे ये क्या कर दिया तूने? मार्केट तक ही तो जाना है, इतनी डार्क रेड लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े झुमके और चूड़ियां, और चेहरे पर इतना सारा पाउडर। मेरी बहन ऐसे नहीं चलेगा, जा और ये सब हटा के आ। अरे कैसी, क्यों? मैंने शहर आने के लिए इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था, और वैसे भी मैंने देखा है मोहल्ले की राधा काकी के टीवी पर एक फिल्म चल रही थी, उसमें हीरोइने ना ऐसे ही तैयार होकर जाती है घूमने, सब पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी दीदी। अंजलि शहर की चकाचौंध को देखकर
बहुत हैरान और खुश होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। दीदी, ये छोटा सा कमरा सड़क के किनारे क्यों रखा है? इसमें कौन रहता होगा? ये कमरा नहीं, पीसीओ है। पीसीओ यहाँ पर लोग फोन करने आते हैं सिक्का डालकर। ओ, हमारे गांव में तो दुकान पे ही जाते हैं बात करने। अच्छा चल, तुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट नूडल्स प्लीज एंड 2 कोला। मीनाक्षी को ऑर्डर प्लेस करते हुए अंजलि बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी ही देर में ऑर्डर लेकर वेटर आ जाता है और खाना टेबल पर रख देता है। अरे, ये लंबी लंबी सेवइयां खाते कैसे हैं दीदी? और इसके साथ कोई अचार, प्याज, मूली कुछ भी नहीं दिया, बस ये छोटा सा पेट खुजाने वाला दे दिया है। गांव में तो छोटे छोटे चावल ही होते हैं जो कि हाथ से ही खा लेती हूँ, अब इसे कैसे खाऊं दीदी? एक्सक्यूज मी, एक चम्मच प्लीज और लिटिल प्याज और अचार और मूली और एक गिलास मट्ठा वो बाद में। हाँ, अब ये सब सुनकर आसपास बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। मीनाक्षी भी अपनी हंसी किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंजलि समझ नहीं पाती कि सब किस बात पर हंस रहे थे, लेकिन वो छिप जाती है। दीदी, मुझे लगता है कि मुझे इन सेवइयों को ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसी पेट खुजाने वाले कांटे के साथ। एक काम कर, तू मुझे खाते दे, जैसे मैं खाऊं तो भी वैसे ही खा ले। ठीक है दीदी। अंजलि खाते खाते नूडल्स में सिरका ज्यादा डाल देती है, फिर ऊपर से नमक दानी से खेलते हुए काफी नमक भी अनजाने में छिड़क लेती है। अरे, ये क्या क्या खा लिया? अरे हाय हाय, कितना कड़वा है। पानी पानी, ये काला शरबत ही पी लेती हूँ। और जल्दबाजी में अंजलि जल्दी जल्दी कोला पी लेती है, जिससे उसके नाक में झनझनाहट होती है। दीदी, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं ये सब शहरी खाना नहीं खा सकती। अब शर्म के मारे मीनाक्षी अपनी बहन को वापस घर ले जाती है और कहती है कि देख अंजलि, माना कि शहर और गांव एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शहर ही बेहतर हो और उस वजह से हमें वो सब करना पड़े जो हम नहीं कर सकते। शहर में सहूलतें तो हैं, पर चुनौतियां भी हैं। हम जहां भी रहें, हमें कभी अपने आप को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। और किसी भी नई जगह में ढलने में समय लगता है, उसके लिए तुम्हें दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, घूम लिया शहर या अभी और घूमना है? नहीं पापा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, आप गांव ही ले चलिए मुझे।